बात कुछ ऐसी है कि वही रक्त बूंद है जो पिछली बार विपुल ने विपिन लियावसी को दिया था, विपिन को दिया था उसको यूज करने के लिए, जिसका यूज कर वह यहाँ पर उस समय के कला का यूज कर सकता था जैसा यूज ने पिछली बार किया था उस कंकाल ड्रैगन के साथ में, जब भी तो उसको वहां पर हरा पाया था। लेकिन अब इसके साथ में विपिन के पास में केवल एक ही बूंद बची थी, एक तो यहाँ पे विपिन लियावसी के ऊपर और एक वहां पर, और अब एक यहाँ पर बची हुई थी। ये क्या है, ये तो समय का खेल है। यहाँ पर इकबाल ने जैसे ऐसा देखा उसके साथ में वो चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में वह चाहे से था एक हेल्डर, लेकिन उसकी जो पारख सेना की आंख थी ना वो यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी थी। वास्तव में वो एक बार ही बता सकता था कि अभी यहाँ पर अभी अभी विपिन ने क्या किया था। वही दूसरी तरफ सभी एल्डर्स भी कहते हैं ये तो हमारे बिल्कुल शैन कबीले के समय टावर जैसा है। यहाँ पर हमारे जो मुखिया है उन्होंने केवल इस बूंद का यूज करते हुए विपिन लियावसी के शरीर के अंदर टाइम को बहुत ज्यादा ही तेज कर दिया है, यानी कि अभी एक दिन कई सालों के बराबर होने वाला है। हालांकि जो ये रक्त बूंद है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तव में यहाँ पर जो हमारा समय टावर है ना वो केवल एक दिन में एक साल ही करता है, यानी कि वो 10 गुना करता है, लेकिन यहाँ पर ये 100 गुना के बराबर है। वास्तव में यहाँ पर केवल एक दिन विपिन लियावसी के लिए बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। लेकिन सभी एल्डर्स बात करने लगते हैं क्या यहाँ पर विपिन लियावसी कुछ समय के अंदर ये सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि 1-2 साल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है। हाँ माना कि टाइम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कम से कम 200-300 साल लग गए हैं ऐसा सब कुछ करने के लिए। तो क्या विपिन लियावसी ऐसा कुछ कर पाएगा, यहाँ पर वह सभी इसी तरह से सोचने लगते हैं। देखते ही देखते आखिरकार 1 घंटा भी बीत जाता है। उसके बाद में वह जल्दी से यहाँ पर विपिन लियावसी के पास में चला जाता है और उसको उठाने के लिए उसके सर के ऊपर टैप करता है। अगले पल विपिन लियावसी भी अब खड़ा हो जाता है। फिर विपिन उससे कहता है ठीक है अब मुझे भरोसा है कि तुम अब यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे। इतना कहने के साथ में ही विपिन जल्दी से अपनी सीट की तरफ चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी अभी जो उसने शैन कबीले के अंदर से वह सभी साधना यूज की थी ना उसको वहीं पर ही सीख रहा था। सभी की निगाहें अभी विपिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। धीरे धीरे करते हुए आखिरकार अब विपिन भी उस सभी साधना को अपने अंदर सुदृढ़ करने लगता है। वह समय के खेल को वहां पर सीखने सा लगता है। लेकिन विपिन लियावसी भी अभी अपनी जगह पर ही आराम से बैठा हुआ था और अभी यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, वह सभी विपिन का ही वेट कर रहे थे। वही कुछ समय बीत जाने के बाद में ही अचानक से विपिन के विचार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। विपिन को अचानक से अपनी रक्त क्षमता थी वह अलग ही लेवल के ऊपर पहुंचती हुई नजर आने लगती है। अचानक से विपिन को लगने लगता है जैसे कि वह अलग ही डायमेंशन के अंदर आ गया हो, जिसके आसपास में बहुत सारी घड़ियां डायमेंशन के अंदर तैर रही थी। वास्तव में वह समय का खेल बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये क्या है, मैंने यहाँ पर समय के खेल को समझ लिया है। यहाँ पर विपिन की आंखें चमक जाती है क्योंकि वास्तव में अभी उसने यहाँ पर जो शैन कबीले की गुप्त कला समय का खेल था उसको यहाँ पर समझ लिया था। वही दूसरी तरफ जैसा संत कबीले के अंदर हुआ था वैसे शैन कबीले का जो पूर्वजों का हॉल था जिसके अंदर सभी को सम्मानित किया जाता था उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ी और कुछ हलचले होने लगती है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर सभी की निगाहें इसी इमेज के ऊपर टिकी हुई थी, इसी वजह से किसी के अंदर इतनी ज्यादा देखने के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं गया। चलो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर समय के खेल को सीख लिया है, इसके साथ में तो मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चाहे से यहाँ पर ये समय टावर जैसा काम ना करता हो लेकिन फिर भी इसके साथ में विपिन की जो स्पीड थी, टाइम के साथ में खेलने वाली जो ताकत थी, वास्तव में उसको एक अलग ही लेवल के ऊपर ले जाने के लिए काफी थी। वहीं जहाँ पर सभी की निगाहें केवल विपिन को देखी जा रही थी ना, क्या पता वहाँ पर वो अपनी एनर्जी रिकवर करने में लगा हो, वहीं इकबाल की आंखें सिकुड़ जाती है क्योंकि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। वास्तव में वह भी कुछ महसूस कर पा रहा था कि विपिन की जो ऑरा था ना वो चेंज हो चुका था, उसकी एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रही थी। ये कुछ ऐसा था जैसे कि विपिन ने अभी कुछ अलग ही चीज हासिल कर ली हो। उसके बाद में विपिन अपनी आंखें खोलता है और उसके साथ में कहता है ठीक है चलो मेरा काम हो गया है, जल्द ही अब हमें यहाँ पर अपना मैच शुरू कर देना चाहिए, हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। इतना कहने के साथ में विपिन लियावसी अब आगे की तरफ चला जाता है और वो वहाँ पर देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नरेश भी आगे बढ़ाता है और वहाँ पर अपनी साधना को शांति से एड के शिखर पर दबा लेता है। के साथ में विपिन लियावसी पहले एक बार नरेश को ग्रेड करता है और उसके बाद में ही वह एक कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर एक कदम आगे बढ़ाता ही है कि आगे वाले डायमेंशन के अंदर वो दिखना ही बंद कर देता है। लेकिन जब वो दिखता है
तो अगली बार सीधा वो नरेश के सामने खड़ा हुआ था। वह सीधा यहाँ पर नरेश के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। हर किसी मुस्कान के साथ में वह नरेश को देख रहा था। वही उसकी उस मुस्कान को देखने के बाद में नरेश तो पूरी तरह से अचंभित रह चुका था। वास्तव में उसने नहीं सोचा था कि विपिन लियाओ से इस तरह से अपनी पावर को बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएगा। उसे ये चलते हुए नरेश अपने आप को डोज करने के लिए पीछे की तरफ हटने लगता है, लेकिन यहाँ पर जिससे पहले कि वो पीछे हट पाता, उससे पहले विपिन लियाओ से पहले तेजी से आगे बढ़ जाता है और उसके ऊपर अपनी उंगलियों का यूज करते हुए यहाँ पर बहुत सारी तलवारें बना लेता है और जल्द ही वह सभी तलवारें वहां पर उस नरेश के ऊपर अटैक करने लग जाती है। हालांकि नरेश की स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, वह वहां पर उन सभी तलवारों को डोज तो करता है, लेकिन इस समय यहां पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वास्तव में जो विपिन लियाओसी की पावर्स थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर बढ़ चुकी थी। विपिन लियाओसी जहां जहां से गुजरता वहां पर जो जमीन थी उसके ऊपर गड्ढे बनना शुरू हो जाते थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि वह एक जगह से गायब होकर दूसरी तरफ से सोनिक बूम निकालते हुए आ रहा हो और हर एक सोड वार सीधा नरेश के ऊपर होता जा रहा था। अगले पल नरेश अब एक जगह पर फंस चुका था। विपिन लियाओसी ने अपनी इसी भीड़ बढ़ाई और उसके साथ में ही काच 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 और अगले पल जो नरेश था वह भी एक स्टार के बीच में खड़ा हो चुका था। नरेश के कपड़े पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे और अभी उसके सामने दिख रहा था एक बड़ा सा स्टार, जिसका मतलब ये था कि वह सभी यहाँ पर अभी विपिन लियाओसी की हरकतें थी। ये क्या है? आखिरकार विपिन लियाओसी ने इस लेवल को कब अचीव कर लिया? विपुल और विशाखा दोनों पूरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि वास्तव में अभी जो विपुल देख रहा था ना, वो ये था कि विपिन लियाओसी अभी तलवारबाजी की उच्चतम स्तर को हासिल कर चुका था और अभी वह उसको वहीं पर ही देखे जा रहा था, क्योंकि वास्तव में उस स्तर को हासिल करने में उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। उसके बाद में वो अपने बेटे की तरफ देखने लगते हैं। ये हमारा बेटा है या किसी और का बेटा है, पता नहीं इसने यहाँ पर कौन सी मेन वाल विपिन लियाओसी को दे दी, जिसके साथ में उसकी पावर इस तरह से बढ़ चुकी है। कि जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, नरेश क्या मुंह से अब खून निकलने लगता है। विपिन लियाओसी मानना पड़ेगा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन अब मेरी बारी है। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर जो नरेश था वो भी तैयार हो जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि पहले उसने सोचा था कि यहाँ पर विपिन लियाओसी के ऊपर वो अपनी कम पावर का यूज करेगा, लेकिन अब यहाँ पर वो ऐसा नहीं करने वाला था। यहाँ पर वह अपनी अब पूरी पावर का यूज करने के लिए जा रहा था। जल्द ही नरेश भी अपनी जगह से गायब हो जाता है और अगले ही पल विपिन लियाओसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में ही दो बंचों को यहाँ पर सीधा उसी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बस वो अपनी चुटकी बजाता है और अगले ही पल बहुत सारी तलवारें उसके पीछे से निकलती है और उसकी चारों तरफ एक गोलदार घूमने वाली एक शील्ड बनाकर रेडी कर देती है, जो विपिन लियाओसी को वहां पर घेरी हुई थी, जिसकी वजह से जो नरेश के पंच थे वो वहीं पर ही ब्लॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नरेश को वो ज्यादा गंदा झटका लगता है जब वो देख पा रहा था कि वास्तव में जो अभी उसने अटैक किया था वो पूरी तरह से फेल हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इकबाल कहता है, नरेश अब यहाँ पर हारने वाला है। क्या नरेश हारने वाला है? लेकिन आखिरकार आप ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हर्ष चौंक चुका था जब उसने यहाँ पर इकबाल के मुंह से वह शब्द सुने थे। तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल उसे समझाता है, अरे भाई तुम अभी तक समझे नहीं, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो यहाँ पर तुम विपिन लियाओसी की हर एक स्टेप को देखो, वह जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे समय बर्बाद होता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर अब वो नरेश के हर एक वार को डोज करते हुए जा रहा है। जहाँ पर वह 10 वारों को टोस नहीं कर पाता था, अब उनमें से केवल 3 ही वार ही रह चुके थे। वह उसके साथ में यहाँ पर हर्ष को भी झटका लगता है। वह पाता है कि हाँ वास्तव में इकबाल अभी सच कह रहा था, वास्तव में वहां पर वही सब कुछ हो रहा था जो अभी वह बताना चाह रहा था। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर हर्ष उससे पूछता है। तो इकबाल कहता है, यहाँ पर विपिन लियाओसी ने अभी अपनी जो नई पावर हासिल की है ना, वह उसका यूज यहाँ पर इसके अंदर कर रहा है। वह नरेश के साथ में लड़कर उसको और ज्यादा बेहतर बनाता जा रहा है, जिसके साथ में वह और भी ज्यादा सटीक वार अभी नरेश के ऊपर करते जा रहा है। जल्द ही यहाँ पर नरेश हारने वाला होगा, यहाँ पर वह उससे कहता है। वही उसके बाद में ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। नरेश के ऊपर अब मुक्कों की बारिश होने लगती है। विपिन लियाओसी अभी अपने पंजों का यूज करने लगता है।
दोनों अभी लाइट की तेजी से यहाँ पर लड़ रहे थे, वास्तव में केवल उनके पीछे उनकी छवि ही दिख रही थी। जब वो टकराते थे तो उस जगह पर यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता था और हर एक बार यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। शॉक वेव्स यहाँ पर सभी के सभी महसूस कर पा रहे थे जो शॉक वेव वहाँ से निकलते हुए आ रही थी। अर्ज कहता है, ये हो क्या रहा है? पहले यहाँ पर शंत कबीला और यहाँ पर अब शेन कबीला। आखिरकार क्या मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है? क्या वास्तव में अब मानव जाति फिर से अब अपनी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचने वाली है? क्योंकि मैंने इतने ज्यादा पावरफुल इंसान कभी भी नहीं देखे हैं। वास्तव में ये इस पावर के ऊपर यहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर ये ग्रेट संत के ऊपर पहुंच गए तो शायद हम भी यहाँ पर कुछ ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन लियाओ से भी अपनी गति को बढ़ाता हुआ जा रहा था, जिसका साफ साफ मतलब था कि उसकी जो समय के खेल था उसकी कला और भी ज्यादा अच्छी से अच्छी होती जा रही थी। अगले ही पल विपिन लियाओ से अब तेजी से अपना एक पंच आगे तरफ बढ़ाता है, वही फुल स्पीड के साथ में। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाता, नरेश पीछे हटता और कहता है, बस मैं हार मानता हूं। उसके साथ में यहां पर जो विपिन लियाओ से था वो भी अपने पंच को वहीं पर ही रोक लेता है। फिर नरेश उससे कहता है, विपिन लियाओ से मानना पड़ेगा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल के ऊपर मैं तुम्हारा कोई सामना कर सकता हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा और लड़कर भी, विपिन लियाओ से इतना कहता है। उसके बाद में पीछे की तरफ चला जाता है और वहीं पर ही अब हाथों को पीछे रखते हुए उनकी तरफ देखने लगता है। वो ये देख रहा था कि अब उनके अंदर से कौन आने वाला था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओ से के इस तरह से उकसाने की वजह से एक स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए आता है। वो कहता है, टीचर मुझे आगे जाने दीजिए। वहीं दूसरी तरफ जो इकबाल था वह कहता है, नहीं तुम्हें अब आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर अभी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी पावर यहाँ पर केवल नरेश से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से तुम भूल जाओ, तुम अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो वहीं दूसरी तरफ हर्ष कहता है, अच्छा ठीक है इकबाल भाई, ऐसा करो ना तुम ही वहाँ पर जाकर अपनी साधना कम कर वहाँ से लड़ सकते हो। यहाँ पर उसने ऐसा कहा, क्या मैं जाऊँ? क्या तुम्हें यहाँ पर मैं पागल वागल लगता हूँ? या फिर तुम केवल अपना वह बदला उतारने के लिए मेरी कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारे साथ में संत कबीले में हुआ था? क्या तुम मेरी यहाँ पर बेइज्जती करवाना चाहते हो? यहाँ पर वह उससे कहता है तो हर्ष थोड़ा सा हंसने लगता है। तो वहीं इकबाल कहता है, हाँ ठीक है, अगर एक बार के लिए मैं अपनी साधना कम कर वहाँ पर लड़ भी लेता हूँ ना तो उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में बारी आएगी सीधी यहाँ पर विपिन लियाओ के साथ में विपिन की। और जब विपिन वहाँ पर आ गया तो उसके बाद में मुझे तो डर लग रहा है भाई, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या कर सकता था। क्योंकि इकबाल ने यहाँ पर देख लिया था कि एक बार केवल उसको थोड़ी देर का प्रशिक्षण देने के बाद में ही उसने उसको इतनी ज्यादा खतरनाक पावर दे दी थी, जिसके साथ में नरेश भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वहां पर विपिन ने तो कई लाखों किताबें पढ़ ली थी, उसके साथ में वह समझ चुका था कि वास्तव में आगे जाना उसके लिए एक सबसे बड़ा टाइम होगा अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए। फालतू में वह अपनी बेइज्जती क्यों ही करवाए जब उसको पता है कि फालतू में यहाँ पर हड्डियां तो टूटने वाली ही है। तो वहीं दूसरी तरफ इकबाल आगे बढ़ता है और वह विपिन से कहता है, एल्डर विपिन आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपका ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा अब हम लोग यहीं पर ही हार मानते हैं। क्या आप हार मान रहे हैं? विपिन चौंक जाता है क्योंकि वास्तव में उसने ये नहीं सोचा था। उसने ये सोचा था कि शायद यहाँ पर उसका ही टाइम आ सकता है इकबाल के साथ में लड़ने का, लेकिन इस तरह से केवल नरेश के हारने के बाद में वह हार मान सकता था, विपिन को भरोसा नहीं हो रहा था। तो उसके साथ में कहता है, ठीक है अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो यही चलेगा, और मुझे माफ करिएगा कि यहाँ पर विपिन लियाओ से अगर आपको किसी तरह ठेस पहुंचाई हो तो। और यहाँ पर वो फिर उसके साथ में यहाँ पर इकबाल समझ जाता है। वो समझकर तो वहीं पर वो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता ना करें मैं यहाँ पर अपने वादे के साथ में टिका हुआ हूँ, आप चिंता ना करें मैं आपको वही यहाँ पर जो हमारे प्राचीन संत धर्मेश है उनकी वह कलाकृति यानी कि वह काली इंक स्याही का पत्थर आपको देने वाला हूँ। उसके साथ में वो जल्दी से उसको बाहर निकालता है और उनकी तरफ उछाल देता है। उसके साथ में वह कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। लेकिन जिससे पहले कि वहां से जा पाता अचानक से विपिन कहता है, लेकिन आपका ये मिरर तो यहाँ पर रह गया है, इसको तो ले जाइए। हाँ आपका धन्यवाद। उसके बाद में इकबाल जल्दी से अपने मिरर को स्टोर रिंग के अंदर रखता है और वहां से गायब हो जाता है। लग ही नहीं रहा था कि कुछ समय पहले यहाँ पर इकबाल खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और गाइस ये दो ही एपिसोड डाल रहा हूँ क्योंकि ये 30 मिनट के एपिसोड्स हैं, ठीक है ये मत बोलना कि तीसरा एपिसोड भी डाल दो, वरना इसका भी तीसरा बना के मैं डाल सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं क्योंकि मेरे पास में टाइम था नहीं।